अभी अभी हम लोग कर कर आए हैं दमन में राइट ट्रिप, तो रंजना तो ऑब्वियसली नाराज थी कि हमको नहीं घुमाया, तो रंजना को भी घुमा रहे हैं। कैप्टन सिंह शायद कल आएंगे, तो आज अपने पास टाइम है, हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छी प्यारी सी लोकेशन पे। क्या बोलती है, सच बोला ना? मैं घुमा रही हूँ, मैंने बुकिंग किया है, तुम नहीं घुमा रहे हो। हमेशा मैं घुमाती हूँ, हर चीज मैं करती हूँ। इतने दिन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आया कि कब लेंस में देखना है, कब कहाँ देखना है। चलो एनीवेज यही घुमा रही है चलो, लेकिन ड्राइवर तो मैं हूँ, मैं लेके जा रहा हूँ ना, और एक दिन के लिए सामान देख के ना आप परेशान हो जाओगे। बेबू शो मी योर बैग, पापा गॉट दिस बैग फ्रॉम शिप स्पेशली टाई स्टेंसिल दिस एंड केयर ऑन इट। और मेरा कैमरा गियर का तो एक बैग रहता ही है, बनता ही है, प्लान है वहाँ पे कुछ अच्छा काम का शूट करेंगे, और नॉर्मल कपड़े का बैग। और ये तुम्हारा बैग है? वाह ठीक है, छोटा 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 आई एम सॉरी। और यहाँ पे इसमें क्या है, प्लास्टिक बैग। ये लेके हम 5-star होटल में एंट्री तो नहीं मारने वाले ना? मारने वाले हैं। ये बैग प्लास्टिक का लेके? अरे वहाँ तो बचा हुआ सब कवर और उठा के किस में लाएंगे? क्या बकवास है यार, ये प्लास्टिक बैग के साथ नहीं जा सकते यार, पैक इट इन अ बेटर बैग देन। या बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत दिन के बाद घूमने मिल रहा है, तो तुम ये प्लास्टिक का बैग चेंज करो, मैं गाड़ी में सामान लोड करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी हमारी आज गंदी है, क्योंकि कल का मेरा पूरा दिन जो प्लानिंग में नहीं था भूसा के सर्विसिंग में निकल गया, तो गाड़ी धोने का टाइम नहीं मिला। हाँ बैग निकालो बेबू, फिर आप अपने सीट में जाके बैठो। इजी पीजी राइट, देन वी डोंट हैव टू वरी अबाउट यू मूविंग इन द चेयर और एनीथिंग। किधर जा रहे हैं बच्चा, बताएगी? सॉरी एमबी वैली। चलो बाकी देखते रास्ते में। बेबू हाउ आर यू फीलिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, वी आर गोइंग ऑन वन डे वेकेशन। शी इज सुपर एक्साइटेड, कितने दिन से पूछ रही थी होटल कब जाएंगे। हाँ तो जा रहे अभी। पहले रंजना ने बोला कि अपने लिए फास्ट के लिए, जिसका थर्सडे को फास्ट रहता है वो खाना लेके आई, हमें बिल्कुल नहीं देगी, मगर अभी शायद हमें फ्रूट थोड़ा सा मिलने वाला है। दे जल्दी दे। नाइस। ओ बिग टनल, वेरी बिग टनल। छोटा सा इशू हो रहा है, हमें कोई रेस्टोरेंट ढंग का नहीं मिल रहा है। एक्चुअली बेबू कुछ भी नहीं खाता, मैं तो कुछ भी खा लूंगा, लाइक समोसा पाव वड़ा पाव, तो एक जगह मिली है, होपफुली कुछ काम की चीज मिल जाए। रहना हो तो ऐसी जगह पे रहो यार, दिन रात क्रिकेट खेलो यहाँ पे। बेबू हाउ इज योर स्टोरी? गुड, आई गेस दे आर नॉट गोइंग टू बी फ्रेंड्स। Sophia says, what's the plan? We will reach in about 30 minutes more. Ready for another Enjoy night? Your backseat. Baba! Yes. I want to go and show Sophia a bottle of potion. No, you will be secured on the backseat only. नाश्ता कॉफी आ गया है, लेकिन आजकल यहीं पे चल रहा है। रेस्टोरेंट में आप जाके अंदर बैठ के खा नहीं सकते, पार्सल लेके जा सकते हो, वैसा रास्ते में पार्टी चल रही है। Eat here, finish your food. इधर आओ। 13 किलोमीटर 25 मिनट पूरा माउंटेन के ऊपर है, घूम घूम के जाना है। विजिबिलिटी खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से डीले हमारा थोड़ा और बढ़ते जा रहा है, मगर ब्यूटीफुल भी है। विजिबिलिटी थोड़ी मिल जाए, 1.5 किलोमीटर तो काफी है, कोई बात नहीं, हम गाड़ियों के लाइन में चलते रहेंगे एक के पीछे एक। दोस्तों एमबी वैली में अगर बुकिंग कराओगे तो भाई चेकिंग बहुत है, मेन गेट पे चेकिंग है, उसके बाद ये सेकेंड गेट पे चेकिंग है, और बहुत ज्यादा बड़े DSLR टाइप कैमराज अलाउड नहीं है, ड्रोन अलाउड नहीं है, ऑब्वियसली कोई वेपन्स अलाउड नहीं है, तो मेरे को तो छोड़ दिया, मेरे कैमरा था छोटा सा था। और फिलहाल यहाँ पे चेकिंग हो चुकी है गाड़ी की, और अब रंजना गई है की लाने के लिए, सपोज टू बी कोई चाबी वाबी, रूम की चाबी, कॉटेज की चाबी, आई डोंट नो व्हाट, वो लेके आएगी और फिर हमें पता चलेगा कहाँ जाना है। बहुत परेशान कर दिया उन लोगों ने चाबी देने के लिए, है खूबसूरत लेकिन हेडेक करा दिया, वेट करा। ब्यूटीफुल है, हमारे लाइफ रिपब्लिक जैसा ही फीलिंग आ रहा है, सेम टू सेम है, रोड नैरो है, हमारा थोड़ा चौड़ा है। नहीं डेफिनेटली माउंटेन के ऊपर अच्छा मार्केटिंग किया है, सब एक साथ बना दिया है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, एंड ऑब्वियसली बहुत अमीर लोगों की जगह है, वो मंकी भी कूदते रहते हैं ऐसे पहाड़ पे, पता नहीं गोबरों में आया नहीं आया। तो ये मंकी तो नहीं कूदते पुणे में, तो दिस इज एक्साइटिंग। फाइनली हमें हमारा रूम मिल चुका है, और हमें मिल गई इलेक्ट्रिक गाड़ी हमारे रूम तक छोड़ने के लिए। I can't let you go.
रूम पे आ चुके हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि यहीं पे आजू बाजू रेस्टोरेंट होटल सब कुछ होगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये बड़ा सा टाउनशिप प्रोजेक्ट है, एक एक कॉटेज ये लोग देते हैं। अभी कॉटेज में पीछे देखेंगे तो यहाँ पे जंगल है, एकदम जंगल के बाजू में हम रह रहे हैं। तो बिकॉज हम पुणे में ऑलरेडी बंगले में रहते हैं और ग्रीनरी में रहते हैं, तो इतना कुछ एक्साइटिंग तो नहीं है, मगर ठीक है, एक न्यू जगह है। रूम इज इम्प्रेसिव डेफिनेटली, बट आजू बाजू कुछ भी नहीं है। आपको खाना है कुछ भी है या कुछ भी करना है तो आपको गाड़ी लेके दूसरी दूर जगह जाना है। सब कुछ है एमबी वैली में, मगर दूर 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 है। हेलो मैडम, आपने जो खिड़की छलांग मार के इधर पे जंप मारा है, इसका परमिशन लिया आपने? मैंने ले लिया है, तुम लोग को नहीं है। एमबी वैली है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। इधर अभी जंगल में लुढ़कते हुए पहाड़ में नीचे चले गए तो पता नहीं कितना किलोमीटर नीचे चले जाओगे। समझ में आया क्या? आई नो कोई बात नहीं बेबू, मरू भी तो अच्छी। जाना है क्या आपको? भी जाना है क्या? नहीं बेबू को अलाउड नहीं है। बेबू को अलाउड नहीं है? हाँ। हमको अलाउड है। अच्छा ऐसी, क्या बोलते हैं? फोटो खींच दो ना जल्दी से, फिर मैं आ जाऊं। हिपोक्रेसी बोलते हैं इस चीज को? नहीं, क्या बोलते हैं? सेफ्टी बोलते हैं, मदर बोलते हैं। अच्छा नाइस नाइस नाइस, वेदर तो बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है कि जल्दी से फोटो खींच लो। लंच रूम में कर लिया, लेकिन कॉफी चाय रूम में मंगाने का कोई मतलब नहीं लग रहा। लेट्स गो एंड एक्सप्लोर कहाँ पे क्या है। कुछ तो अच्छा हमको होपफुली मिल जाएगा। बारिश हो रही है तेज, हम लोग हैं तीन और छतरी है हमारे पास सिर्फ एक। प्रोटेक्ट बेबू, क्या बोलते हैं बेबू? आई लाइक रेन, मम्मा लाइक रेन। ओके सो इट्स ओनली मी हुज गोना बी इन द। हम लोग आ चुके हैं कैफे, हमारा ब्रेकफास्ट भी जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो यही मिलेगा। अच्छा है कैफे, माहौल अच्छा है, बारिश बहुत तेज है, व्यू ऑसम है। थोड़ी देर में देखते हैं, कॉफी ऑफी पी लेने दो पहले। शानदार जगह है, मगर जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव तो है ही। आज हमने 2500 का लंच, 2500 का लंच किया। लंच में क्या था? तो रोटी सब्जी दाल यही सब था, और अभी हमने 2000 रुपए की सिर्फ कॉफी पी है और एक स्नैक। तो काफी एक्सपेंसिव है। एक बार आ गए नॉट वैल्यू फॉर मनी, एक बार देखने के लिए ठीक है, मगर दोबारा तो यहाँ कभी नहीं आने वाले। क्या कर रहे हो? मजे, चलो चलो हो गया, लेट्स गो बैक टू अवर रूम। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, किधर जा रहे हम लोग? पानी में एंजॉय करने नहीं है, रील बनाएगी, दो तीन रील बनाएगी, पहले रील बनाएगी फिर ब्रेकफास्ट करेगी, ऐसा सब प्लानिंग चल रहा है यहाँ पे। बेबू रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रोन उड़ाना मना है, बहुत रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ मोबाइल से थोड़ा बहुत वीडियो, रील वील बनाने दिया, दैट्स इट। रुकना से कोई ना कोई आता है, बोलता है गाड़ी नहीं रुक सकते यहाँ पे, ठीक है उनका रूल रेगुलेशन है, फॉलो करना चाहिए। यस आई टुक माय फूड, हाउ इज योर फूड? My food is good. I didn't taste it, Nana. How no? Okay. A person that you don't know well is a stranger. You don't talk to a stranger. You don't take anything from a stranger. And you, when a stranger tries to pull you on his side, you have to try to run away from him very fast. Amazing, baby. I understood. जायंट झूले का मजा ये लोग ले रहे हैं, मुझे कुछ खास बारिश में भीगने में मजा नहीं आता है, मगर लोकेशन बहुत तगड़ी है। Why? Because if we go behind, we may go into water directly. नहीं नहीं, इतना नहीं दूर। क्या बोलती है? How was your stay? Nice, very nice. समझ गया ना कैसा था? नहीं, stay अच्छा था। अभी लास्ट में तुम वो उसके बाद मत पूछो ना, थोड़े टाइम रुक जाओ। एमवी वाली का स्टे ओके ओके था, दोबारा तो कभी आने नहीं वाले। स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट व्लॉग।